सलाम इंडिया, मैं इरफान रही और मैं हूँ यहाँ पर उत्तम नगर के कब्रिस्तान में। और कब्रिस्तान में यहाँ पर मेरे साथ हैं शराफत सैफी, जो कि अपनी बात कहना चाहते हैं। जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? जी, मैं सभी भाइयों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और दूसरा बरादरी के लिए मेरा एक मैसेज है कि कल 27 तारीख शाम 8:30-9 बजे के आसपास एक दुर्घटना घटी है जेल रोड पर, जिसमें अली हसन कमालपुर के रहने वाले हैं, उनका बेटा अहमद हसन, उनका बेटा शाहिद, जो शाहिद रिक्शा चलाता था, ई रिक्शा, उसमें 2-3 सवारी भी थी, और एक गाड़ी जो मैं कहूँगा शायद बीजेपी से थी, और उस गाड़ी ने काफ़ी दूर तक उसको घसीटा, एक्सीडेंट हुआ उससे, ऑन द स्पॉट वो लड़का वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वो केस चलेगा, कब तक चलेगा, वहाँ से कब क्या मिलेगा, तो हमारी सैफी बिरादरी से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अल्लाह ने जिन लोगों को नवाज रखा है, पैसा भी दे रखा है, तो हमारी यहाँ पे स्कीम ये है कि 500-600 आदमी हम इकट्ठे होके इलाके वाइज सबको फ़ोन करे जाएँ, और अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और फेसबुक पर देख रहे हों, जो भी बन पड़ता है, मेरी कोशिश है कि अभी 8-10 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, तो जो बच्चा अपाहिज है उसको हम कुछ काम करा दें, वो अपने आप खुद करेगा, पैसे दे दिए जाएंगे। और भाई, ये मेरी सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप नंबर में फिर दे रहा हूँ, 9818-3738-75, उत्तम नगर अस्पताल के कब्रिस्तानों से मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और काफ़ी लोग मेरे साथ भी हैं बिरादरी के, तो मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। तो भाई, इस पर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी मीटिंग हो सके, आप करके इस काम को करवाएं। भाई अब्दुल सलाम सैफी हैं हमारे साथ में, जिनको पूरे मामले की जानकारी है, ये बताना चाहेंगे कि आखिर क्या मामला है, पूरी जानकारी देंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मुझे पता लगा था कि रात को एक्सीडेंट हो गया था तिलक नगर खालसा कॉलेज के पास में, जैसा बताया जा रहा है कि हरिनगर थाना पुलिस में केस दर्ज भी किया गया था इस चीज़ का, और जाँच शुरू कर दी थी, तो वहाँ के पुलिसकर्मियों ने बताया जिस टाइम पर यह हादसा हुआ है उस टाइम पर भाजपा उम्मीदवार, जो एमपी है यहाँ के भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा भी उस कार में बैठे हुए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार शाम को जनकपुरी मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा में 2 महिलाएं हरिनगर के लिए निकली, और हरिनगर के निकलते टाइम पीछे से ये दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, क्या था ऐसा सुनने में आया कि दारू ही पी रहे थे, और गाड़ी ने पीछे से इतनी तेज टक्कर मारी कि शाहिद मोहम्मद शाहिद अहमद हसन जो है पंखा रोड में हमारे फूफा हैं, उनका लड़का है मोहम्मद शाहिद, उनकी मौके पे ही डेथ हो गई, और पीछे जो 2 सवारी बैठी हुई थी, एक लेडीज़ की आज डेथ हो गई और एक गंभीर हालत में है। तो आज हमने देखा कि ना हमारे पास ना कोई पुलिस वाला आया घर पर मिलने के लिए, जिस हिसाब से FIR हो रखी है, न्यूज़ में है, पेपर में है, पुलिस वालों को आकर पूछना चाहिए था क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई पुलिस वाला हमारे पास नहीं आया, कोई ना उत्तम नगर थाने से ना हरिनगर थाने से, हरिनगर थाने का ये केस है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस केस को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, कहीं हमें कोई सरकार की तरफ से या किसी चीज़ से कोई ऐसा ठोस वो नहीं मिल रहा है कि उनकी मदद की जाएगी आगे। तो हम तो इन बच्चों के लिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं शाहिद के, घर के जिम्मेदार आदमी ये थे, और घर में कोई ऐसा जिम्मेदार आदमी नहीं। क्या चाहते हैं सरकार? अब हम सरकार से यह चाहते हैं कि इस मामले की अच्छी से देखरेख हो, और जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद हो सके, क्योंकि इनके घर में कोई जिम्मेदार नहीं है, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी होगी, इनकी फाइनेंशियली हालत भी बहुत ख़राब है, तो यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है। हमारे साथ में उमर सैफी साहब हैं, जो कि सैफी जनसंघ समिति के संस्थापक सदस्यों में से, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना है आपका? शराफत सैफी साहब ने भी एक बात रखी सामने की समाज के सब लोग इकट्ठा हो जाएं और एक मुश्त रकम ईद से पहले उस परिवार को दे दी जाए, परिजनों को, ताकि उनको कुछ मदद हो सके। मैं शराफत भाई की बात से बिल्कुल एग्री हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे उसमें पता नहीं कितना समय लगेगा, तो ये फौरी तौर से ये मदद हो जाए हमारी बिरादरी की तरफ से, भाई लोगों की तरफ से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि उनको ईद से पहले उनका दम में हम थोड़ा सा एक सहारा कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये शराफत भाई ने बहुत अच्छी बात कही, जितना हो सका उतना करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी बात रखी और एक बात ये रखी है कि क्यों ना जब तक सरकार से मुआवजा मिलता है कानूनी कार्रवाई चलती है, सैफी समाज के और अन्य और भी समाज के लोग जो इसमें जुड़ना चाहें वो इकट्ठा हो जाएं और अपनी बात रखें। जैसा कि शराफत भाई ने बताया है, बहुत अच्छा लगा जैसा उन्होंने बताया है कि सब मिलकर, सभी भाई मिलकर इस तरह के जिससे भी जो मदद हो, 1000, 500, 2000
जो भी जिससे किसी पे कोई दबाव नहीं है और आपको नंबर भी दिया गया है, आप बात कर लीजिएगा और आपके सामने सारा मामला है, आप घर भी आ सकते हैं, देख सकते हैं सब चीज़ें। और हम तो ये चाहेंगे इसी बच्चे के लिए नहीं, आगे आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो तो हमारी पूरी बिरादर, हमारे पूरे सैफी लोग और पूरा मुसलमान सब एकजुट मिलके हर किसी की हेल्प करे। नंबर अपना भी बोल दो और भी बोल दो नंबर जी। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें और देखें, और जो पैसा जमा हो या तो इरफान राही साहब के यहाँ या शराफत भाई के पास, जैसे भी हो आप इन्हें इनके पास जमा करके और आप खुद चल के उस फैमिली के पास जाएं, मिल के आए, जिससे कि उनको खुशी लगे। बाकी मेरा नाम अब्दुल सलाम सैफी है, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो मेरा नाम, मेरा नंबर है 9999392019 9999392019। मेरे वालिद साहब का नाम है मरहूम इमामुद्दीन सैफी, होम बिहार फेस 5। तो आप ये नंबर हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको ये तीनों नंबर हमारी स्क्रीन पे चलते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम। आप देख सकते हैं कि तीनों नंबर, जो कि एक पहला नंबर शराफत सैफी साहब का है, दूसरा अब्दुल सलाम सैफी का है और तीसरा जो है कि मेरा नंबर है, आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं इस मदद के लिए। और हम आपसे ये उम्मीद भी करते हैं और आग्रह और गुजारिश करते हैं कि इस नेक काम में, इस भले काम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, उत्तम नगर, दिल्ली।